हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीएसएल के दूसरे मैच के बारे में। मैच किसके बीच में होगा? क्वेटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर जार्मी के बीच में मैच होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। कल वाला मैच भी आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा नहीं गया हमारे लिए, पर एवरेज गया। ठीक है, पहला मैच था, धीरे धीरे और अच्छा करेंगे, कवर करेंगे, साथ में खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे। जरा इस मैच की बात अब कर लेते हैं। देखो, मैच जो होगा ना, मैच वही होगा जहां कल हुआ था, गद्दाफी स्टेडियम। मैंने कल भी बोला था कि बॉल दम पिच रिपोर्ट दे रहे हैं, मैच स्टैट्स दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। रोड वाले विकेट बनेंगे और बंपर रन बनेंगे। कल देख लिया तुमने कि 200 रन बन रहे। भाई मजाक चल रहा है क्या? पर ठीक है, जो चल रहा है हम उसका फायदा उठाएंगे। चलो बात करते हैं थोड़ी जरूरी कि कौन खेलेगा, क्या कहते हैं, कैसा खेलता है, वो सारी चीजें। तो बैटर्स एट वेन्यू देख लेते हैं कौन कौन अच्छे हैं। तो सबसे नंबर पे वन पे आते हैं हमारे बाबर आजम, पाकिस्तान के शेर। पाकिस्तान में ही शेर है भले, लेकिन पाकिस्तान के शेर है। 31 मैच खेले, 30 इनिंग, 1025 रन, 39.4 मोस्ट प्रोबेबली मेरे कैप्टन रहेंगे। फिर तो उसके बाद आते हैं सरफराज अहमद, 37 मैच, 32 रन, 625 रन, 27 के एवरेज, 4 शतक मारे इन्होंने। ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन में आ सकते थे, पर अब नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ही नीचे आ गए ऑर्डर में। पहले ऑर्डर में ऊपर आते थे, अब नीचे आने लगे, तो उतना कुछ खास फायदा मिलेगा नहीं हमें। फिर आसिफ अली आते हैं। आसिफ अली ने 28 मैचेस में 26 रन, 26 इनिंग के लिए 452 रन बनाए, 19.6 का एवरेज, कुछ ज्यादा खास नहीं है। और फिर आते हैं उमेर आमीन, 17 मैच, 16 इनिंग्स, 390 रन, 26 का एवरेज है। मोहम्मद हारिस ने 14 मैच में 14 इनिंग्स के लिए 328 रन बनाए, 25.2 का एवरेज, ठीक ही ठाक है, बहुत कुछ खास नहीं है। राइली रोसो, 13 मैच, 297 रन, 27 का एवरेज, इस बार कैप्टन भी है पेशावर के, और उम्मीद कर सकते हैं अच्छा खेलेंगे। लास्ट ईयर बहुत अच्छा खेला था, पर जो है फॉर्म थोड़ा कंसर्न है। फिर आते हैं जेसन रॉय, 7 मैच 7 इनिंग्स और 205 रन, 29.2 का एवरेज और फ्लैट विकेट रहेगा। तो जेसन रॉय एक जरूरी पिक हो जाते हैं आपके लिए। विल स्मिथ, 4 मैच, 142 रन, 35.5 का एवरेज, इनको देखना पड़ेगा कि हम अपनी टीम में अकोमोडेट कर पाते हैं कि नहीं। सैम अय्यूब काफी अच्छे प्लेयर है, 6 मैच में खेले, 140 रन है, 23.3 का एवरेज पर, ओवरऑल टैलेंटेड प्लेयर है। बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो कौन कौन सबसे अच्छे बॉलर्स रहे वेन्यू पे। तो सलमान निशाद ने 15 मैच में 25 विकेट लिए हैं, उस्मान कादिर ने 11 में 13, मोहम्मद आमिर ने 9 में 12। मोहम्मद आमिर हमारी टीम में रहेंगे, मेरा पाकिस्तान का सबसे फेवरेट बॉलर्स में से एक है, भले ही शाहीन अफरीदी आ जाए ना नसीम शाह आ जाए, जो भी है इसकी बात अलग है। अरशद इकबाल 8 मैच खेले, 9 विकेट लिए। आमिर जमाल 8 मैच खेले, 9 विकेट लिए। पाकिस्तान की तरफ से भी टेस्ट मैच खेलने गए थे, तूफान मचा दिया था, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जरूरी है टीम में लेना। अब उससे जरूरी ये चीज है, हमारा टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, क्यूआर कोड है, इसको ज्वाइन कर लो जा करके। फाइनल टीम वहीं पे दूंगा और पूरा पीएसएल, पूरा डब्ल्यूपीएल जो आने वाला, सब साथ में खेलेंगे, याद से सब्सक्राइब कर लेना इसे, ठीक है। अब जरा रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। सेम है रिसेंट फॉर्म, सेम 3 मैच हारे हैं, 2 मैच जीते हैं, एक ही तरीके से किए हैं, एक तरीके की टीम परफॉर्मेंस चल रही है। अगर हम पिछला वाला पीएसएल कंसर्न मतलब कंसीडर कर लें तो मुझे लगता है ठीक ठाक बराबर का मैच होगा, ऊपर नीचे वाला कुछ मैच नहीं होना चाहिए। फिर हेड टू हेड की बात करते हैं जरा बैटर्स की, कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने खेलती तो कौन कैसा परफॉर्म करता है। नंबर एक पर दिखेंगे आपको हमारे सरफराज अहमद, 21 मैचेस, स्पेलिंग गलत हो गई यार, इसको इग्नोर करना। सरफराज अहमद ने 21 मैच में 17 इनिंग, 447 रन। जेसन रॉय 5 मैच, 290 रन। विल स्मिथ 3 मैच, 222 रन। राइली रूसो 9 मैच, 211 रन। सैम अय्यूब 4 मैच, 130 रन। रोमैन पावल 3 मैच, 114 रन। उमर अमीन 3 50 47। कार्डमोर ठीक है, इससे हमको एक दो चीज तो क्लियर हो गई कि अगर सरफराज का बैटिंग ऑर्डर ऊपर हुआ तो आई टीम में रहेंगे, और जेसन रॉय को तो हम रखने ही वाले हैं टीम में। अब हेड टू हेड बॉलर्स की बात कर लें तो हसनैन जो है 10 मैच में 15 विकेट ले चुके हैं, उस्मान कादिर 3 में 7 ले चुके हैं, सलमान निशाद 1 में 2, अरशद इकबाल 2 में 1। इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं दिख रहे मैचिंग वाले, उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस भी हुए टीम में ना, तो ये थोड़ा एक इश्यू है। अब जरा बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म कैसा चल रहा है, सारे प्लेयर्स की बात करेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा हमको किसको किसको लेना है। सरफराज अहमद की बात कर लें तो 29 27 41 16, और सज्जाद अली आते हैं। फिर ये क्वेटा के बाद प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैच जब चालू होगा टीम शीट आएगी तो तुमको बहुत फायदा मिलेगा। सज्जाद अली बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे, खेलेंगे तो हो सकता है मैं जरूर रखूं। 50 44 56 90 60 57, हद से बेहतरीन खेल रहे हैं। बिस्मिल्ला कुछ खास फॉर्म नहीं है। जेसन रॉय 47 24 32 68, ठीक
ठीक ठाक है, लेकिन जो है फ्लैट विकेट रहेगा, मुझे लगता है जेसन रॉय को मदद मिलेगी। राइली रूसो का देखो, जब मैं फॉर्म कंसल्ट कर रहा था, सब में 10-0, 13-1, 0-11 बनाए और एक मैच में 82 बना दिया, ये अंतर पड़ जाता है। लॉरी वैंस 344 नहीं कुछ और था, इसको इग्नोर करना, पर इनका भी कुछ फॉर्म बहुत शानदार नहीं चल रहा है। विल स्मिड 1-5, 13-2, 63 पिकअप फॉर्म में चल रहे हैं। उमेर बिन यूसुफ 36-25, 46-14-17 डिसेंट है, ठीक ठाक फॉर्म है। फिर आते हैं उमर अमीन, 3 पिछले 4 मैचेस में से 1 में 82 मारे, 1 में 31 मारे, तो में कुछ नहीं, फिर भी कह सकते हैं डिसेंट फॉर्म है। फिर आते हैं हमारे ख्वाजा नफाए, 2-6-5, 100 शकील, 18-22, 44-13, 20-70, ठीक ठाक प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, मौका लग जाता है तो मार देता है। फिर रदरफोर्ड आ रहे हैं हमारे CPL से डायरेक्ट, अगर खेलते हैं तो हम देखेंगे कि हम इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। 67-35, 28 जो है थोड़ी मेन इनिंग्स रही है इनकी। अकील हुसैन की बात कर लेते हैं, खेलेंगे नहीं, पर 2-1, 1-2, 0-0, 4-2 विकेट ले चुके हैं। मोहम्मद आमिर 1-2, 3-1, 3-1, 1 विकेट लिए। मुझे तो लगता है कि मैं मोहम्मद आमिर की अगर पहली बॉलिंग रहेगी तो मैं उसको VC बना दूंगा। मोहम्मद आमिर, पॉल वॉल्टर, इनमें से कोई एक मेरा VC रहेगा, अब देखते हैं कौन रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर की। उस्मान कादिर 2-1, 1-1, 1-2, 5 विकेट, ठीक है, अच्छे फॉर्म में, पर स्पिनर, लेग स्पिनर है तो हो सकता है, देखना पड़ेगा सामने कौन से कितने जो है राइटी खेल रहे हैं, पर स्पिनर्स का कुछ फायदा नहीं आ रहा यहाँ पे ज्यादा। मोहम्मद वसीम 1-2, 2-0-1, सुहेल खान 2-3, 3-1, 3-3, 1-5-5, तो बहुत अच्छे फॉर्म में, राइट आर्म फास्ट है, खिलाया जाएगा कि नहीं ये डिपेंड करता है। अबरार अहमद, ये अबरार अहमद एनिमल वाला नहीं, दूसरा अबरार अहमद है, ठीक है, तो 1-2, 0-0, 1-1, 3-2, ये भी ठीक ठाक फॉर्म है। फिर आदिल नाज की बात करें तो 2-0, 0-2, 1-0, इनको कुछ खास नहीं है। उस्मान टारियो, ये भी इमर्जिंग प्लेयर है, 2-0, 1-0, 2 विकेट लिए इन्होंने। प्लेइंग इलेवन की बात कर ले तो मुझे लग रहा है ये प्लेइंग इलेवन रहेगा, जेसन रॉय, ख्वाजा नफाए, राइली रोसो, शॉट शकील, लॉरी इवान, सरफराज अहमद, रदरफोर्ड, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन। अब देख लो ख्वाजा नफाई का मैंने तुम्हें क्या बताया था, कैसा फॉर्म चल रहा है, 2-6-5 चल रहा है, खिला रहे हैं पर ठीक है। और रदरफोर्ड का भी दिखा देते हैं एक बार ताकि तुमको ध्यान रहे, 67-35-28, मैं मान के चल रहा हूँ रदरफोर्ड रहेंगे, अगर इनका मुझे जो है दिखता है कि थोड़ा ऊपर आएंगे और लगता है कि कुछ बॉलिंग वॉलिंग क्या पता कर लें, तो कि करेंगे नहीं, पर अगर ये ऊपर आते हैं तो मैं इनको अपनी टीम में ले लूंगा। पिशावर की प्लेयर्स की बात करते हैं रिसेंट फॉर्म की, मोहम्मद हैरिस 64-55-52, 3 बहुत अच्छी इनिंग खेली इन्होंने पिछले कुछ 7-8 मैचेस में से। असीबुल्ला 46, एक ही इनिंग ठीक ठाक आई है। बाबर आजम 47-47-37-62-56, भाई तुमको पॉइंट चाहिए, तुम्हारी टीम में बाबर आजम होना चाहिए। रन रेट वन रेट का तुम्हें कोई चिंता नहीं करना है, तुम्हें बस ये चिंता करना है ये बाबर आजम आउट ना हो। TKC आ गए 39-68, अब इनको इनको लूंगा मैं, इनको कैसे लेना है, अकोमोडेट कैसे करेंगे टीम में, देखना पड़ेगा, एक प्लेयर को हटाना पड़ेगा या बॉलर को, पर मुझे लगता है कि इनको खिलाना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए। आसिफ अली कुछ खास फॉर्म नहीं है, सैम अयूब एक मैच, मतलब कुछ इनका भी कुछ फॉर्म नहीं। रोमन पावल शायद नहीं खेलेंगे, और अगर आ गए तो बड़ी बात है, पर अभी खेल रहे थे UAE में, खेल रहे तो नहीं आएंगे। पॉल वाल्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है, मेरी टीम में रहेंगे, अगेन CVC के हमारे एक अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। आमिर जमील 5 विकेट 1 विकेट 9 रन 1 विकेट, बहुत ही शानदार प्लेयर है, इसको नहीं रखा तो बेवकूफी करो। डैन मोजली मेरे हिसाब से देखो, खेलते हैं अगर तो फिर देखा जाएगा। नवीन उलग खेलेंगे नहीं, ल्यूक वुड खेलेंगे, 3-0-0-2-3, कुछ अच्छा फॉर्म नहीं है, पर लेफ्ट आर्म पेसर है और हिट द डेक टाइप की बॉलिंग करते हैं तो खेलेंगे, तो हमको हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। खुर्रम शहजाद 3 विकेट लिए हैं पिछले मैच में, उसके सिवा विकेट लेस गए थे। स्मार्ट जोसेफ चोटिल हैं, सलमान इरशाद 2-0-0, 1-0-1-1, गस एटकिंसन, गस एटकिंसन अगर आते हैं तो हम टीम में जरूर रखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि अभी पहला ही मैच आकर के खेल पाएंगे, पर अगर खेल लेते तो फॉर्म अच्छा है, हम इनको रखेंगे। वगैरह सलमा अकील, चाइना मैन, ये 2-1, 3-3, 1-2-3, मेहरान मुमताज 2-0, 1-0, 2-2, उमरान अफरीदी काफी अच्छे फॉर्म में देख रहे हो, 3-3, 4-2, डिपेंड करता है, इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन अभी तुम्हें दिखेंगे ना, तुम कहोगे किसको ले लूं यार, किसको ले लूं। मोहम्मद जीशान अंडर 19 खेल के आके आ रहे हैं, 1-1, 3-3, 1-1, 0-4 विकेट लिए हैं, ठीक ठाक बॉलर हैं।
ये सब ग्रैंड लीग के प्लेयर हैं यार, इनको सेफ तुम स्मॉल में नहीं रख सकते हो। जिस दिन चल गए उस दिन चल गए, ठीक है। अरशद इकबाल 1-0, 3-0, 0-1 कुछ खास नहीं है। आरिफ याकूब 0-0, 3-4, 0-2-1, या तो 3-4 विकेट ले रहे हैं तो 0 विकेट ले रहे हैं। एमानुअल खान 0-0, 2-1, इमरजिंग प्लेयर ये भी नहीं है। पेशावर प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सैम अय्यूब, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, टीकेसी, हसीबुल्ला, आसिफ अली, पॉल वाल्टर, आमिर जमाल, ल्यूक वुड, सलमान इरशाद, के शहजाद। हसीबुल्ला का एक बार मैं वापस से देखना चाहता हूँ क्या चल रहा है। ठीक ही है, सोच रहा था असल में कि अभी अभी टीम बनाऊंगा तो किसको किसको हम लोग ले सकते हैं असल में टीम अपनी। तो ये हो गई हमारी टीम। अब जरा बात करते हैं कि हम अपनी टीम में किसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा क्या कहते हैं ड्रीम 11। और देखते पहले चलो बॉलिंग सेक्शन नहीं, ऑलराउंडर से चालू करते हैं। ऑलराउंडर से हम आमिर जमाल को लेंगे और पॉल वॉल्टर को लेंगे। ये हो गया हमारे दो प्लेयर, बाबर आजम, जेसन रॉय और राइली रूसो। ये प्लेयर हो गए हमारे। और फिर बॉलिंग में चले जाते हैं। मोहम्मद आमिर को जरूर रखूंगा मैं, ल्यूक वुड को रखूंगा, मोहम्मद वसीम को रखूंगा और मोहम्मद हसनैन को भी रखूंगा, ठीक है ना। हसनैन का इधर दिखाया था मैंने अच्छे स्टार्ट से। फिर एक रखूंगा मैं इधर से हसीबुल्ला या शहजाद को, सरफराज को, किसी को एक को रखूंगा यार। मैं मोहम्मद हारिस को रखूंगा, ठीक है, मोहम्मद हारिस को रखेंगे। और फिर एक प्लेयर डिसाइड करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गए हमारे 10 प्लेयर। 11वां प्लेयर हम बताएंगे टॉस के बाद आपको। टॉस के बाद जो है जब टीम आ जाएगी तब पूरी। फिलहाल हमारी ये टीम है, इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन बता देता हूँ आपको सीधा सीधा। 4 ऑप्शन रहेंगे मेरे, एक बाबर आजम रहेगा, एक पॉल वॉल्टर रहेगा, एक मोहम्मद वसीम जूनियर रहेगा और एक मोहम्मद आमिर रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है बदल भी जाए, पर ये बाबर आजम पॉल वॉल्टर मुझे लगता है मैं स्ट्रेट ऐसे ही कुछ जाऊंगा। तो फिलहाल ये रहा हमारा मैच का एनालिसिस। अगर तुमने यहाँ तक मैच देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल पर भी जाके मुझे फॉलो कर लेना। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं।